दर्पण नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। दर्शकों, नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। एटा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल एटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक डेंगू के मरीज के खाने में कीड़े निकले, वहीं शिकायत पर सीएमएस ने मामले की जांच कर कार्यवाही की बात कही है। एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती डेंगू के मरीज राहुल के खाने में कीड़े निकलने से स्वास्थ्य विभाग के प्रति मरीजों में गुस्सा है। जानकारी के अनुसार ये पूरा खेल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। वहीं जब खाने में कीड़े निकलने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के सीएमएस राजेश अग्रवाल से की गई, तो उन्होंने मामले की जाँच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। सर, हमारी ये बहन है जो रामनगर में रहे, जो रामनगर में ब्याई हुई है, मैं गांव इसे पुर का रहने वाला हूँ, करतला के पास। इनके ऊपर जो दीवार गिर गई, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। आज 5 दिन हो गए, यहाँ पर कोई ना सुनवाई, ना एक्सरा, ना कोई मतवाली है, खाने बांध दी है। आज जब हम आज आ गए घर से, हमने जब डॉक्टर से पता करके जब पहुँचे कहाँ बैठते हैं, तो मैंने कही वो टीम बैठते हैं, वो टीम में जब बात की तो वो बोले 20,000 रुपये लगेंगे और दवाई का खर्चा लगते हैं। तो हमने कही साहब 20,000 हम तो देना था, तो हमने कही यहाँ करवाए कहाँ करवाए, जो कही कि हम बाहर करेंगे। तो साहब जब साहब तुम सरकारी तनख्वाह ले रहे हो सरकार से और इलाज करोगे प्राइवेट, तो योगी सरकार में तो मज़ा तुम्हारे ही। क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर का परमार नाम बताया। आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है, मैं इसकी पूरी इंक्वायरी करूँगा और मरीज के बारे में, और उससे कहूँगा कि मेरे वो लिखित में शिकायत करे और मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करूँ। डॉक्टर परमार कब से यहाँ काम कर रहे हैं? वो महानिदेशालय द्वारा 2 साल के लिए यहाँ पे लाए गए थे और 2 साल उनका 30 सितंबर 2021 को पूरा हो रहा है। इससे पहले रिजाइन भी दे दिया उन्होंने, बताया गया रिजाइन कर दिया है, उसको मंजूर करने के लिए मैंने महानिदेशालय को भेज दिया था आज से 6 महीने पहले। सर, इनको सैलरी नहीं मिल रही है, फिर ये क्यों आ रहे हैं अस्पताल में? इनको 1 अप्रैल के बाद कोई सैलरी नहीं दी गई है, उसके बाद जैसा दिशा निर्देश होंगे उनके सरकारी होगा। अविनाश कुमार उर्फ चंदू जी की ओर से विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर कथारा क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।